हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और आप सबको YTB से टेक्टिकल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन को वन शॉट में किल करेंगे, क्योंकि अगर आपको CUET के फाइनल एग्जाम में फोड़ के आना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी आपके दिल और दिमाग में सेट होना चाहिए। इसलिए आज हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन को पूरा निचोड़ लेंगे विद सुपर ट्रिक के साथ, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी रिएक्शन रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन को निचोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग हेलो एरिन को निचोड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके निचोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएं कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कि हेलो एल्केन को हम लोग बनाते कैसे। तो कहता है कि अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दें तो हम लोग के पास अल्काइल बच जाएगा, और वही अल्काइल में अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को जोड़ दें तो अल्काइल हैलाइड यानी हेलो एल्केन जो है वो बन जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जो हमारा हेलो एल्केन है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दर्शाएंगे कैसे। तो कहता है कि जो हमारा हेलो एल्केन है उसको हम लोग आर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां आर जो है वो अल्काइल है और एक्स जो है वो हैलाइड है। हैलाइड का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारा हेलो एल्केन है उसका जनरल फार्मूला क्या होता है। तो कहता है कि जो हमारा हेलो एल्केन है उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 और एक्स। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जो हमारा हेलो एल्केन है उसका कॉमन नेम क्या है। तो कहता है कि जो हमारा हेलो एल्केन है उसका कॉमन नेम है अल्काइल हैलाइड। अब हम लोग का मेन टॉपिक आ गया प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और अल्काइल हैलाइड। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा हेलो एल्केन और अल्काइल हैलाइड है उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे उसको बनाएंगे। अब इसका बनाने का 5-6 मेथड हम लोग पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला मेथड हम लोग का है फोटो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, कि अगर हम लोग एल्केन में से हैलोजन को जोड़ दें उसी को हम लोग फोटो हैलोजिनेशन कहते हैं। अब इसका भी अलग अलग केस है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला केस डिस्कस करते हैं, फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन। अब क्या होता है फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन, कि अगर हम लोग एल्केन में से फ्लोरीन को जोड़ दें तो उसे हम लोग फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन कहते हैं। तो एल्केन में सबसे पहले हम यहाँ पर मीथेन ले लिए CH4, उसका हम लोग रिएक्शन करा देते हैं F2 के साथ यानी फ्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HNU। तो यहाँ पे कह रहा है कि नो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, कि कोई प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा, नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा, कि हमारा जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर हम लोग फ्लोरीन का रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पे जो आग लग जाएगा, बम ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग फ्लोरीन का रिएक्शन नहीं कराते हैं एल्केन के साथ। इसलिए कह रहा है कि जो हमारा फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन है ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ किसी प्रकार का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। उसके बाद हम लोग दूसरा केस देखेंगे कि क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन, कि अगर हम लोग एल्केन में से क्लोरीन और ब्रोमीन को जोड़ते तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग एल्केन में मीथेन ले लिए CH4, उसका हम रिएक्शन करा दिए Cl2 के साथ। हमारा जो क्लोरीन है यानी Cl2 वो जो है एक्सेस में है, ज्यादा ले लिए हैं, तो यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो CCl4 बन जाएगा और जो हमारा यहाँ पे 4HCl बन जाएगा। अभी बना कैसे, इसको कैसे याद रखें, तो यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या होगा 4 हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पे 4 क्लोरीन जुड़ जाएगा। अब 4 क्लोरीन इसलिए जुड़ेगा क्योंकि जो हमारा क्लोरीन है वो एक्सेस हम ज्यादा ले लिए हैं, तो यहाँ पे CCl4 बन जाएगा। अब यहाँ पे 4 क्लोरीन जब जुड़ेगा तो 4 हाइड्रोजन भी निकलेगा, तो 4 हाइड्रोजन जो है वो 4 क्लोरीन के साथ 4HCl एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो बनाएगा। अब जिस प्रकार से आप क्लोरीन लेके किए उस प्रकार से आप ब्रोमीन भी ले सकते हैं, यानी क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन जो है वो इसी प्रकार से होगा। अब हम लोग तीसरा केस देखेंगे कि आयोडिनेशन ऑफ एल्केन, कि अगर हम लोग एल्केन में से आयोडीन का रिएक्शन करा दें तो क्या होगा। तो यहाँ पे एल्केन में मीथेन ले लिए, उसका रिएक्शन करा रहे हैं आयोडीन के साथ, तो यहाँ पे CH3 और I जो है वो लग गया। अब ये कैसे लगा, यहाँ पे CH4 है। अब CH4 में क्या होगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा उसके साथ आयोडीन लग जाएगा, तो वही हुआ यहाँ पे CH4 था तो CH3 हो गया, एक आयोडीन जो है इसके पास आके लग गया और बाय प्रोडक्ट जो है वो HI बना दिया। अब हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन बनाने का दूसरा नियम देखेंगे, हेड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आने का पूरा संभावना बनता है। तो इसको समझेंगे कैसे, इसको हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग को एल्कीन दे दिया है और एल्कीन का रिएक्शन करा दे रहा है HI के साथ। अब जैसे हम लोग के पास एल्कीन मिला, हम लोग के पास मार्कोनिकोफ रूल और एंटी मार्कोनिकोफ रूल दिमाग में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे मार्कोनिकोफ लगेगा या एंटी मार्कोनिकोफ लगेगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन बताएगा। तो क्वेश्चन अगर देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग के पास सिमेट्रिकल है यानी सिमेट्रिकल अल्कीन है। अब सिमेट्रिकल किसे कहते हैं, हम लोग जो यहाँ पे अल्कीन है जो कार्बन है वो दोनों के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, अगर सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहा तो उसे हम लोग सिमेट्रिकल कहते हैं, अगर सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं रहा तो उसे हम लोग अनसिमेट्रिकल कहते हैं। तो यहाँ पे जो वो सिमेट्रिकल है, अब यहाँ पे मार्कोनिकोफ या एंटी मार्कोनिकोफ कुछ भी लगा सकते हो, यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक जो हमारा हाइड्रोजन है वो इसके पास दे दो या हाइड्रोजन को इसके पास दे दो, दोनों में से किसी के पास दे दो, ये तभी करना जब सिमेट्रिकल रहेगा। यहाँ पे सिमेट्रिकल है, अब हाइड्रोजन को किसी के पास दे दो, या तो इसके पास दे दो या तो फिर इसके पास दे दो। हम जो है वो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हम सेकंड वाले पे दे देते हैं। तो हाइड्रोजन को दे दिया, यहाँ पे CH3 हो गया, फिर CH2 और आयोडीन जो है वो फर्स्ट वाले कार्बन पे लग गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड जो था वो एक बॉन्ड टूट जाएगा यानी CH3 CH2 I जो है वो मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। अब मार्कोनिकोफ रूल कैसे लगेगा, क्योंकि यहाँ जो हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है वो दोनों के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो डिफरेंट है, यानी ये जो हमारा अल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन रहा तो वहां हम लोग मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। अब मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है, जहां पे हाइड्रोजन जो, ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो उसी कार्बन के पास जाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। अब ये दोनों कार्बन में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है, इसलिए जो हमारा हाइड्रोजन है वो इसी के पास जाएगा। तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो इसके पास आ गया और जो हमारा आयोडीन था वो दूसरा नंबर कार्बन पे आ गया, तो आयोडीन मेरा दूसरा नंबर कार्बन पे आ गया और डबल बॉन्ड जो है वो एक बॉन्ड टूट गया, तो हमारा CH3 CH और CH3 बन गया और आयोडीन जो है वो सेकंड नंबर कार्बन पे लग गया।
अब हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जहां मार्कोनिकॉप और एंटी मार्कोनिकॉप दोनों लगने का पूरा संभावना होगा। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप बिंदास रहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन में हम लोग के पास अल्किन दे दिया है। अब ये जो अल्किन है वो अनसिमेट्रिकल अल्किन है। अनसिमेट्रिकल अल्किन कैसे? ये जो हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके पास जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो डिफरेंट है। ये जो हमारा पहला कार्बन है इसके पास दो हाइड्रोजन है, और ये जो हमारा दूसरा कार्बन है उसके पास एक हाइड्रोजन है। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो दोनों के पास अनइक्वल है, अनसिमेट्रिकल है, इसलिए ये जो हमारा है वो अनसिमेट्रिकल अल्किन है। जब अनसिमेट्रिकल अल्किन रहा तो उसको हम लोग मार्कोनिकॉप या एंटी मार्कोनिकॉप रूल से ही बनाएंगे। अब मार्कोनिकॉप और एंटी मार्कोनिकॉप कब लगेगा उसको समझते हैं। अगर हम लोग के पास HBr के साथ परोक्साइड लिखा हुआ रहा, फिर से हम बोलते हैं कान खोल के सुन लीजिए कि अगर HBr के साथ परोक्साइड लिखा हुआ रहा तो वहां पे जो है वो एंटी मार्कोनिकॉप रूल लगता है। उसके बाद कुछ भी रहे वहां पे सिर्फ मार्कोनिकॉप रूल ही लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि जो हमारा अल्किन है उसका रिएक्शन करा रहा है HF के साथ, तो अगर HF के साथ करेगा तो कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉप रूल लगेगा। अब मार्कोनिकॉप रूल क्या कहता है कि ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो उसी कार्बन के पास जाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। अब ये जो हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है? इसके पास है, इसलिए जो हमारा हाइड्रोजन है वो इसके पास आ जाएगा, और जो हमारा फ्लोरीन है वो नंबर टू कार्बन पे चल जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? हम प्रोडक्ट देखते हैं। तो प्रोडक्ट जो है वो CH3CH और CH3, और जो हमारा फ्लोरीन है वो दूसरा नंबर कार्बन पे चल गया। ये जो हमारा मार्कोनिकॉप रूल से बना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि जो हमारा ये अल्किन है उसका रिएक्शन करा रहा है HCl के साथ। जब HCl के साथ करेगा क्या लगेगा? मार्कोनिकॉप रूल लगेगा। फिर मार्कोनिकॉप रूल वही कहता है कि हाइड्रोजन जो है वो उसी कार्बन के पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा है। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो पहला नंबर कार्बन पर चल जाएगा, और क्लोरीन जो है वो दूसरा नंबर कार्बन पर चल जाएगा। तब हम लोग यहाँ पे अगर प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट क्या बना? CH3CH CH3, और जो हमारा क्लोरीन था वो दूसरा नंबर कार्बन पर लग गया अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप रूल। उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है HBr। अब हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? HBr रहा तो मार्कोनिकॉप लगाएंगे, अगर HBr के साथ परोक्साइड रहा तो वहाँ हम लोग एंटी मार्कोनिकॉप रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगेगा? मार्कोनिकॉप रूल लगेंगे। तो मार्कोनिकॉप रूल के अनुसार ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो कहाँ चलेगा? पहला नंबर कार्बन पे, और ब्रोमीन जो है वो दूसरा नंबर कार्बन पे। तो प्रोडक्ट अगर देखें तो CH3CH CH3, और जो हमारा ब्रोमीन है वो दूसरा नंबर कार्बन पे चल गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन कर रहा है HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, अगर HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड रहा तो वहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉप रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉप रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉप रूल कहता था कि हाइड्रोजन जो है वो उसी कार्बन पे जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा है। अब एंटी मार्कोनिकॉप रूल इसका उल्टा कहेगा कि हाइड्रोजन जो है वो उसी कार्बन पे जाएगा जो हाइड्रोजन जहां सबसे कम है। तो हाइड्रोजन जो है वो हमारा सेकंड नंबर कार्बन पे चल जाएगा, और ब्रोमीन जो है वो फर्स्ट नंबर कार्बन पे चल जाएगा। अब यहां से प्रोडक्ट देखें तो CH3CH2CH2, और ब्रोमीन जो है वो फर्स्ट नंबर कार्बन पे लग गया अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉप रूल। अब हम लोग हेलो अल्केन बनाने का तीसरा मेथड देखेंगे, प्रिपरेशन फ्रॉम दारू, की जो हमारा हेलो अल्केन है उसको हम लोग अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे अल्कोहल ले लिए, अल्कोहल को हम लोग ROH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अल्कोहल ले लिए ROH, उसका अगर रिएक्शन करा दे HX के साथ, वहाँ H जो है वो हाइड्रोजन है और X जो वो हैलोजन है। हैलोजन का मतलब फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन और आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम लोग अल्कोहल का HX के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे जो है वो RX यानी हेलो अल्केन जो है वो मेन प्रोडक्ट बनेगा, साथ ही साथ H2O जो पानी जो है वो बाय प्रोडक्ट बनेगा। अब इसको R कैसे रखना, इसको ट्रिक से समझते हैं। ये जो हमारा ROH है अल्कोहल है, इसका अगर बॉन्ड को हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो R के ऊपर क्या आएगा? प्लस आएगा, और OH के ऊपर माइनस आएगा। और यहां से अगर हम HX को डिसोसिएट करें तो H के ऊपर प्लस आएगा और X के ऊपर माइनस आएगा। अब यहां से प्लस माइनस को तोड़ दिए, अब इसको ले जाकर जोड़ दीजिए, तो जो हमारा R है इसके साथ क्या जुड़ेगा? X जुड़ेगा, और OH के साथ क्या जुड़ेगा? H जुड़ेगा, यानी हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो RX बन जाएगा। एज अ मेन प्रोडक्ट जो हमारा हेलो अल्केन है वो मेन प्रोडक्ट बनेगा, और जो हमारा H2O पानी जो है वो बाय प्रोडक्ट बनेगा। अब हम लोग अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाने का दूसरा मेथड देखेंगे, PCl5। जो हमारा अल्कोहल है उसका रिएक्शन कराएंगे PCl5 के साथ। तो अगर हम लोग अल्कोहल का करा दे PCl5 के साथ तो हमारा RCl जो हमारा क्लोरो अल्केन है वो एज अ मेन प्रोडक्ट बनेगा, और HCl और POCl3 जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट बनेगा। अब इसको R कैसे रखना, इसको हम लोग ट्रिक से समझते हैं। जो हमारा ROH है, अगर यहां से हम लोग देखें तो ROH को कैसे हम लोग बना सकते हैं? जो हमारा PCl5 है, PCl5 को अगर हम तोड़ें तो Cl, PCl3 और Cl में हम लोग तोड़ सकते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, हम R को Cl के साथ जोड़ देंगे, O को PCl3 के साथ जोड़ देंगे, और H जो है वो Cl के साथ जोड़ देंगे, यानी जो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहां से RCl बन जाएगा, यहां से PCl3 पहले से O चल जाएगा तो POCl3 बन जाएगा, उसके बाद यहां से H है और Cl है यानी HCl बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो है वो RCl, HCl और POCl3 जो है वो बन गया, जहां मेन प्रोडक्ट जो है वो RCl है यानी क्लोरो अल्केन है। अब हम लोग अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाने का तीसरा मेथड देखेंगे, फ्रॉम PCl3 के साथ। अगर हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन करा दें PCl3 के साथ तो यहां पे भी क्लोरो अल्केन ही बनता है, और बाय प्रोडक्ट जो है वो POH का होल थ्राइस बनता है। अब ये जो हमारा रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं होता है, इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहां से 3 से गुना करना पड़ेगा, और यहां पे भी 3 से गुना करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग अब हेलो अल्केन बनाने का चौथा मेथड देखेंगे, फ्रॉम SOCl2। ये जो है वो सबसे बेस्ट मेथड है हमारा क्लोरो अल्किन बनाने का फ्रॉम अल्कोहल से, इसी हम लोग डार्जन प्रोसेस भी कहते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे इसको समझते हैं। तो अगर हम लोग यहां से अल्कोहल ले लिए, अल्कोहल कैसे होता है, ROH ले लिए, उसका रिएक्शन करा दे रहे SOCl2 के साथ, यहां पे जो हमारा RCl यानी क्लोरो अल्किन जो है वो मेन प्रोडक्ट बन गया, HCl जो है वो बाय प्रोडक्ट बन गया, और SO2 भी जो है वो बाय प्रोडक्ट बन गया। अब इसको याद कैसे रखना, इसको भी ट्रिक याद रखते हैं। तो जो हमारा R है इसके साथ हम लोग को क्लोरीन लगा देना है, O के साथ SO को लगा देना है, और H के साथ Cl लगा देना है। इस प्रकार से जो हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा RCl, फिर बन जाएगा HCl, उसके बाद SO2 जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट बन जाएगा।
अब हम लोग हेलो एल्केन बनाने का चौथा मेथड देखेंगे, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इसमें कुछ नहीं करना है, बस दो हैलोजन को पकड़ के आपस में एक्सचेंज कर देना है। अब कैसे एक्सचेंज करना है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग RX ले लिए, जो हमारा हेलो एल्केन है उसका रिएक्शन करा दे रहे हैं, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ये हमारा नेम रिएक्शन है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। अब इसको करेंगे कैसे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो हमारा NA है उसको X के साथ पकड़ के लात मार के भगा दीजिए, और जो हमारा आयोडीन है उसको सीधा R के साथ जोड़ दीजिए, यानी जो हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा RI यानी आयोडो एल्केन बन जाएगा, और NAX जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद दूसरा अगर हम देखें तो कह रहा है AGF, ये हमारा स्वार्थ रिएक्शन है, यानी फ्लोरो एल्केन बनाने का हमारा दूसरा मेथड है। अब इसको कैसे करेंगे, ये जो हमारा AG है उसको X के साथ पकड़िए, इसको लात मार के भगा दीजिए, और जो हमारा फ्लोरीन है उसको R के साथ जोड़ दीजिए, यानी मेन प्रोडक्ट जो है वो RF बन जाएगा, फ्लोरो एल्केन बन जाएगा, और बाय प्रोडक्ट जो है वो AGX बन जाएगा। पिछले वाले रिएक्शन में हम लोग हेलो एल्केन बना रहे थे, अब हम लोग हेलो एल्केन से अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेलो एल्केन ले लिए, हेलो एल्केन को हम लोग RH से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हेलो एल्केन ले लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे। अगर हम लोग हेलो एल्केन RX के बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे तो R के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव और X के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अलग अलग रिएक्शन करा के अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम रिएक्शन करा रहे हैं एक्वस KOH के साथ। अगर एक्वस KOH को लोग डिसोसिएट करें तो K जो है वो मेटल है, मेटल जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और OH जो हमारा हाइड्रोक्सी है उसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस में तोड़ दिए, अब इसको ले जाकर जोड़ देंगे, यहाँ पे R प्लस OH माइनस ये आपस में जुड़ जाएगा तो ROH यानी अल्कोहल बन जाएगा। अब हम लोग क्या किए, हेलो एल्केन से अल्कोहल बना दिए और बाय प्रोडक्ट जो है वो HX बन जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, NaOR यानी सोडियम अल्क ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे। अगर यहाँ पे हम लोग डिसोसिएट करें तो सोडियम मेटल है, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है, तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, यानी प्लस माइनस में तोड़ दिए, अब इसको ले जाकर जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमारा R जो है वो प्लस है और OR जो है वो माइनस है, तो प्लस माइनस जुड़ जाएगा यानी ROR हमारा जो है यहाँ पे ईथर बन जाएगा और बाय प्रोडक्ट जो है वो NaX बन जाएगा। हम लोग हेलो एल्केन को अल्कोहलिक केसियन के साथ रिएक्शन कराएंगे। अगर हम लोग अल्कोहलिक केसियन के बॉन्ड को डिसोसिएट करें तो के जो है वो हमारा एक मेटल है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो हमारा CN साइनाइड है वो हमारा नॉन मेटल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हम इसको प्लस माइनस में तोड़ दिए, अब इसको ले जाकर जोड़ देंगे, तो हमारा R प्लस है, CN माइनस है, तो R के साथ CN जुड़ जाएगा, यानी हमारा यहाँ से अल्काइल साइनाइड बन जाएगा, और जो हमारा बाय प्रोडक्ट है वो KX बन जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अल्काइल साइनाइड बनाए उसका भी अलग अलग रिएक्शन कराएंगे। यहाँ से तीन स्पेसिफिक रिएक्शन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग यहाँ से अल्काइल साइनाइड का पानी के साथ वाटर इन द प्रेजेंस H प्लस यानी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएं तो वहां पे हमारा जो है वो कार्बोजिलिक एसिड बनता है। इसको ध्यान से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग अल्काइल साइनाइड का वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएं तो वहां से हम लोग को कार्बोजिलिक एसिड बनता है, और वही अगर हम लोग वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ OH यानी बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो वहां से हम लोग को एसिड अमाइड बनता है, और अगर हम लोग सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहां हम लोग को 1° amine बनता है। ये जो हमारा तीन रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम अभी दिमाग में सेट कर लीजिए। साथ ही साथ हम एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, अगर हम लोग अल्काइल साइनाइड का वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस यानी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोजिलिक एसिड बनता है, वही अगर हम लोग वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम रिएक्शन कराते हैं तो वहां एसिड एमाइड बनता है, और अगर हम लोग सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 1° amine बनता है। अब हम लोग हेलो एल्केन को अल्कोहलिक AgCN के साथ रिएक्शन कराएंगे। हम लोग इसका पिछला रिएक्शन क्या देखेंगे कि अल्कोहलिक KCN के साथ जब रिएक्शन कराते थे तो RCN यानी अल्काइल साइनाइड बनता था। इस बार अगर हम लोग अल्कोहलिक AgCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहां जो है वो अल्काइल आइसोसाइनाइड बन रहा है। अब हेलो एल्केन का हमारा लास्ट रिएक्शन है, अगर आप इतना कर लिए तो आपका हेलो एल्केन पूरा कंप्लीट हो गया, अब आप बिंदास हो सकते हैं। तो ये हमारा सबसे लास्ट रिएक्शन है हेलो एल्केन का। तो सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन ले लिए, उसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं KNO2 के साथ। अब इसको कैसे रिएक्शन कराएंगे, इसको ट्रिक से समझते हैं। अगर KNO2 को डिसोसिएट करें तो के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, और NO2 को अगर हम तोड़ें तो ओ सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ लिख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ओ के ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब इसको प्लस माइनस में तोड़ दिए, अब ले जाकर इसको जोड़ देते तो आर के ऊपर हमारा पॉजिटिव है और ओ के ऊपर नेगेटिव है। अगर इसको बोले जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, RON डबल बॉन्ड ओ यानी अल्काइल नाइट्राइड जो है वो हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद दूसरा रिएक्शन अगर हम लोग कराएं तो AgNO2 के साथ रिएक्शन कराएं तो AgNO2 को हम लिख सकते हैं Ag और O N डबल बॉन्ड O। अगर यहां पे हम लोग Ag को X के साथ जोड़े तो हमारा R जो है वो किसके साथ जुड़ेगा, NO2 के साथ। यहां एक चीज ध्यान रखना, ये जो हमारा ऑक्सीजन है इस बार ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा, इस बार जो हमारा डोनर एटम होगा वो नाइट्रोजन होगा, इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो नाइट्रो एल्केन बन रहा है। अब हम लोग का हेलो एल्केन पूरा किल हो चुका है, अब हम लोग 5 से 7 मिनट में हेलो एरिन्स को किल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो हमारा हेलो एरिन है उसको हम लोग बनाते कैसे हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अगर हम लोग बेंजीन का रिंग ले लें, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। अगर बेंजीन के रिंग में से एक हाइड्रोजन को हम हटा दें, रिमूव कर दें, तो वहां पे हम लोग को फिनाइल बन जाएगा। फिनाइल का फॉर्मूला होता है C6H5। यहाँ पे क्या था, बेंजीन में C6H6 था, वहां से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो H5 हो जाएगा यानी फिनाइल बन जाएगा। वही फिनाइल में अगर हम लोग एक हैलोजन एटम को जोड़ दें तो वहां से हम लोग का अराइल हैलाइड यानी हेलो एरिन बन जाएगा। के बाद हम लोग समझेंगे कि जो हमारा हेलो एरिन है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो कहता है कि उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये RX है, जहां ये R जो है वो अराइल ग्रुप है और X जो है वो हैलाइड ग्रुप है। हैलाइड का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जो हमारा हेलो एरिन है उसका कॉमन नेम क्या है। तो कहता है कि हमारा हेलो एरिन का जो कॉमन नेम है वो अराइल हैलाइड है। इसको ध्यान से समझने का कोशिश करें कि जो हमारा हेलो एरिन है उसका कॉमन नेम है अराइल हैलाइड। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारा हेलो एरिन है उसका एग्जांपल, तो सबसे पहला हमारा है फ्लोरोबेंजीन, फिर हमारा क्लोरोबेंजीन, फिर ब्रोमोबेंजीन, उसके बाद हमारा है आयोडोबेंजीन।
अब हम लोग का हेलो एरिंग्स का सबसे मेन टॉपिक आ गया, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिंग्स। हम लोग अब समझेंगे कि प्रिपरेशन हेलो एरिंग्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, हम लोग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ले लिए, उसका रिएक्शन करा रहे हैं CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ। अब हमारा ये एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है सेंड मायर रिएक्शन। अब इस रिएक्शन कैसे करेंगे इसको समझते ट्रिक के साथ। हमारा जो यहाँ पे N2 है, सबसे पहले हम लोग N2 को लात मार के भगा देंगे और हमारा जो N2 जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे HCl है, HCl जो हमारा H है, H जो है वो यहाँ पे Cl से मिलकर HCl जो है वो बाय प्रोडक्ट बना लेगा। उसके बाद हमारा क्लोरीन बचेगा, क्लोरीन जो है वो बेंजीन के रिंग पे अटैक करेगा और क्लोरो बेंजीन जो है वो एज आ मेन प्रोडक्ट बनाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा रिएक्शन है CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। अब इसको कैसे करेंगे इसको भी ट्रिक से समझते हैं। हमारा जो है N2 है, N2 फिर उसी तरह से निकल जाएगा। उसके बाद हमारा HBr में जो हमारा H है वो यहां पे Cl के साथ लग के HCl बना लेगा। उसके बाद जो हमारा ब्रोमीन बचेगा वो बेंजीन के रिंग पे अटैक करेगा और ब्रोमो बेंजीन बना लेगा। उसके बाद हमारा लास्ट रिएक्शन है CuCn इन द प्रेजेंस ऑफ HCn। अब इसको कैसे करेंगे, फिर से हमारा N2 जो है वो यहां से बाय प्रोडक्ट बनकर निकल जाएगा। उसके बाद HCn में जो हमारा H है वो क्लोरीन से लग के HCl बना लेगा। उसके बाद जो हमारा Cn बचेगा वो कहां पे बेंजीन के रिंग पे अटैक करेगा और बेंजो साइनाइड जो है वो मेन प्रोडक्ट बनाएगा। अब हम लोग हेलो एरिंग्स बनाने का दूसरा मेथड देखेंगे, जहां हम लोग फिर से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ही लेंगे। बस इस बार जो हमारा रिएजेंट होगा वो रिएजेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट सेम रहेगा। जिस प्रकार से हम लोग पिछला क्वेश्चन किए थे, पिछला रिएक्शन, उसी प्रकार से इसको भी करना है। अब कैसे करना है इसको समझते हैं हम लोग पूरा ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ले लिए, उसका रिएक्शन करा रहे कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ। अब इसको कैसे करेंगे सबसे पहले इसको समझते हैं। फिर से जिस प्रकार से हम लोग पिछला रिएक्शन किए थे उस प्रकार से इसको भी करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग N2 को पकड़ के लात मार के भगा देंगे। उसके बाद जो हमारा HCl है, HCl में जो हमारा H है उसको हम लोग Cl- के साथ रिएक्शन कराएंगे और यहां से HCl एज अ बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद जब हमारा क्लोरीन बचेगा वो क्लोरीन जो है बेंजीन के रिंग पे अटैक करके क्लोरो बेंजीन बनाएगा एज अ मेन प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड रिएक्शन कराएंगे कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HBr के साथ। अब इसको कैसे करेंगे, तो फिर से हम लोग N2 को यहां से निकाल देंगे, बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद हमारा HBr में जो हमारा H है वो Cl- के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। उसके बाद जो हमारा ब्रोमीन बचेगा वो बेंजीन के रिंग पे अटैक करके ब्रोमो बेंजीन बनाएगा एज अ मेन प्रोडक्ट। उसके बाद हमारा ये नया रिएक्शन है Ki इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। इसको आप डायरेक्ट याद रख लीजिए कि यहां से हमारा जो है वो आइडो बेंजीन बनता है। ये जो हमारा रिएक्शन है वो एक्सक्लूसिव मेथड है फॉर आइडो बेंजीन के लिए। अब हम लोग हेलो एरिंस का सबसे लास्ट रिएक्शन देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरिंस। अगर आप इतना कर लिए तो आपका हेलो अल्केन और हेलो एरिंस जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब हम लोग रिएक्शन को समझते हैं कि रिएक्शन कैसे हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लोरो बेंजीन लेनी है। अब इस रिएक्शन को समझने से पहले एक बात बता दें कि जो हमारा हेलो एरिंस है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा, एक हमारा ऑर्थो पे बनेगा उसके बाद एक हमारा पैरा पे बनेगा। आप कैसे कैसे बनेगा इसको समझते हैं। तो हम यहाँ पे क्लोरो बेंजीन ले लिए, इसका रिएक्शन करा रहे हैं कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके NO2 प्लस इलेक्ट्रो फाइल जो है वो जनरेट करेगा। अब ये जो हमारा NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है ये दो जगह अटैक करेगा, पहले करेगा ऑर्थो पे उसके बाद करेगा यहाँ पे पैरा पे। तो वहीं पे यहाँ पे दो प्रोडक्ट बना है, जो हमारा NO2 है वो यहाँ पे पहले ऑर्थो पे अटैक किया उसके बाद यहाँ पे पैरा पे अटैक किया। अब दो प्रोडक्ट बना इसका मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। अब कौन बड़ा होगा, तो जो हमारा यहाँ पे पैरा पे है वो बड़ा होगा। अब इसलिए बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस कम लग रहा है, हमारा जो ऑर्थो है यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, इसलिए हमारा छोटा होगा माइनर होगा और हमारा जो पैरा वाला है वो मेजर होगा। अब इसी का हम लोग दूसरा रिएक्शन देखेंगे, जहाँ पे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 जो है वो रिएक्शन करा रहा है क्लोरो बेंजीन के साथ। अब ये दो आपस में रिएक्ट करके Cl प्लस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। अब Cl प्लस जो है वो फिर से दो जगह अटैक करेगा, एक बार करेगा ऑर्थो पे एक बार करेगा पैरा पे। तो वहीं पे दो जगह अटैक किया, एक हमारा ऑर्थो पे किया एक हमारा पैरा पे किया, और फिर से यहाँ पे पैरा वाला मेजर होगा। यानी मेजर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम लग रहा है, तो हमारा पैरा जो है वो मेजर होगा और जो हमारा ऑर्थो वाला है वो माइनर होगा। तीसरा रिएक्शन देखेंगे जो आज के लिए लास्ट रिएक्शन है कि हमारा क्लोरो बेंजीन का रिएक्शन करा रहा है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो हम बता दें यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो SO3H बनता है। तो यहाँ से SO3H जो है वो फिर से दोबारा अटैक करेगा, एक बार हमारा ऑर्थो पे करेगा एक बार पैरा पे करेगा। तो वहीं पे दोबारा अटैक किया, एक बार ऑर्थो पे किया और एक बार पैरा पे किया। अब यहाँ से मेजर कौन होगा, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगेगा, तो हमारा पैरा पे जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस कम लग रहा है, इसलिए हमारा जो पैरा वाला है वो मेजर होगा और ऑर्थो वाला जो है वो माइनर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा। अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।